मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अपोजिशन का ये आइनी हक है एहतजाज करना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाज पुरअमन है, क्योंकि मैं खुद उसका कायदे मोहतरम मियां नवाशी साहब के हुक्म पर हम खुद गए थे, मैं खुद भी रहा हूँ। और पुरअमन एहतजाज में रहते हुए हमारी रहबर कमेटी और मौलाना फजल रहमान साहब खुद और उनकी कमेटी जो है वो हकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ ऑन बोर्ड हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि डेड लॉक नहीं है, जो इश्यूज हैं आज जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, और होपफुली मैं समझता हूँ कि नतायज बेहतर होंगे। और जब 12 अगस्त 2014 का धरना खान साहब तशरीफ लेके गए थे तो वो तो डायलॉग नहीं करते थे, हमारी तमाम पेशकशें अपनी साइड पर रह गईं, हत्ता कि चाइनी प्रेसिडेंट का जो विजिट था ड्यू वो भी पोस्टपोन हुआ। लेकिन आज ग्राओ जलाओ की बात नहीं होती, जो कहा गया था कि स्कूल या मदरसे के बच्चे होंगे तो आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं लाइव कि वहाँ पर एजेड बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। और ये फिर जो मैं समझता हूँ कि जो जगह दी गई है पेशावर चौक, उसी पर बैठे हुए हैं, डायलॉग हो रहे हैं, और हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा।